सीबीएसई ने 2021 में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आज से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरने शुरू हो गए हैं, तो वहीं 9वीं और 11वीं क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सीबीएसई के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट सीटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो वही 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए गए हैं, जो संबंधित स्कूल में विद्यार्थी अपने अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के साथ आकर करवा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रॉपर गाइडलाइन के मुताबिक सीबीएसई काम कर रहा है, वहीं बोर्ड कक्षाओं का तो 30% कोर्स भी कम कर दिया गया है। वहीं अब 21 सितंबर के बाद 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी गाइडलाइन के मुताबिक विद्यार्थी स्कूल में जाकर अपने टीचर्स से विषय संबंधी शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं। कि सीबीएसई ने 1 सितंबर को एक सभी स्कूलों के लिए, सभी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन जारी करी है, जिसके अंदर जो एक फ्रेमवर्क गाइडलाइन है उसका जो रीजन है वो 2021 के अंदर होने वाले बोर्ड के 10th और 12th एग्जामिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट और स्कूल और अभिभावक और विद्यार्थियों के लिए दी गई है। इसके अनुसार 7 सितंबर से 10th और 12th बोर्ड क्लासेस के जो LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और बोर्ड के जिनको फॉर्म बोलते हैं वो भरे जाने की डेट सुनिश्चित है, जिसकी अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। तथा इसी तरह से क्लास 9th और 11th के लिए जो CBSE का रजिस्ट्रेशन होता है वो भी 7 सितंबर से प्रारंभ होगा और 4 नवंबर तक की उसकी डेट रखी गई है। कोविड को ध्यान में रखते हुए CBSE ने 30% सिलेबस बोर्ड क्लासेस के लिए कम किया है, जिससे बच्चों को आसानी रहे और बच्चे आसानी से उस एग्जाम को बिना किसी तनाव के अच्छे से सहजता से दे सके। मेरी सभी अभिभावकों से और विद्यार्थियों से, स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स और सभी से मेरा अनुरोध है कि इसके अंदर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, जैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुसार पूरी तरह से सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एग्जाम के हिसाब से जो भी LOC और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में स्कूल का पूरी तरह से सहयोग करे। और जिस तरह से स्कूल उनको बुलाता है, आफ्टर 21 सितंबर बोर्ड के फॉर्म के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग और स्कूल के अंदर जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, बोर्ड ने कहा है कि उसकी एक गाइडलाइन दी जाएगी। और 21 तारीख से अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की बोर्ड से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, तो वो अपने स्कूल में आकर के अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल और काउंसलर से कांटेक्ट कर सकता है। टेलीफोनिकली सभी स्कूलों को बोर्ड ने मेल के द्वारा ये सारी गाइडलाइन भेज दी गई है। और मेरा सभी सहोदय के मेंबर से और इस क्षेत्र के जितने भी प्रिंसिपल और स्कूल और अभिभावक के हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो ऑनलाइन भरे जाने वाले इन फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन के अंदर पूरी तरह से सहयोग करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सहजता के साथ में इनको, प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग दें।